हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कक्षा 4 की जो पर्यावरण की पुस्तक है SERT, उसमें हम लोग 8 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उनके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके थे। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में जान चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें चैप्टर से। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, यानी 3 चैप्टर्स के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे इस पार्ट में। तो ये 9वां चैप्टर है जिसका नाम है दादी माँ की बगिया, और इसमें एक दादी जी होती हैं, एक उनका ग्रैंडसन होता है जो उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस के बारे में पूछता है बगीचे के बारे में, और उससे रिलेटेड वो जो आंसर्स देती हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे हैं उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला फैक्ट है, गमलों व क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह से मिलता रहे इसके लिए गुड़ाई की जाती है। आप लोग भी जानते होंगे क्यारियों की गुड़ाई की जाती है। गुड़ाई में मिट्टी को खुरपी से खोदकर भुरभुरा किया जाता है। तो ये हो गई गुड़ाई, और गुड़ाई क्यों की जाती है कि मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरीके से मिलता रहे, जो क्यारी है या गमला है। दूसरा पॉइंट है, पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, हवा, धूप और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। पौधों को सुबह और शाम ही सींचना चाहिए। तेज़ धूप में पौधों में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, इससे पौधों को नुकसान पहुँचता है। तो सिंचाई हमेशा सुबह और शाम ही करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, घास, सूखे पत्ते, फूल और जंगली पौधों को गमलों और क्यारियों से खुरपी द्वारा हटाना, ये निराई कहलाता है। तो गुड़ाई आप जानते होंगे मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, जबकि गुड़ाई में भुरभुरा किया जाता है, और निराई में जो खरपतवार, सूखे पत्ते, ये सब जंगली पौधे होते हैं, इन सबको गमलों और क्यारियों से खुरपी से हटाया जाता है। तो इसको निराई बोला जाता है। निराई करने से भी पौधों को अधिक खाद, पानी और धूप मिलती है, क्योंकि उसमें जो फालतू के पौधे होते हैं, जंगली पौधे, उनको काट दिया जाता है, तो सारी चीज़ें फिर सीधे सीधे पौधों को ही प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद अगला है, जो अगले पॉइंट हैं, नंबर 6, खाद जानवरों के गोबर, नीम और सरसों की खली, रसोई घर के कचरे जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खराब भोजन तथा अन्य कचरों को गला कर जो खाद बनाई जाती है उसको हम लोग जैविक खाद कहते हैं। यानी घर के जो सड़ने और गलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे जो खाद का निर्माण हम लोग करते हैं उस खाद को हम लोग जैविक खाद कहते हैं, और मैक्सिमम अपने गाँव में गोबर से ही बनाई जाती है तो उसको जैविक खाद बोला जाता है। कुछ लोग वहीं पे तमाम घर का कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जैविक खाद बोलते हैं। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध रासायनिक पदार्थों से बनी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आदि को हम लोग रासायनिक खाद के नाम से जानते हैं, या इनको रासायनिक खाद बोला जाता है। और ये अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अनुपयोगी जैविक पदार्थों के विघलित यानी गलने और खाद में परिवर्तन होने की क्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, तो कंपोस्टिंग आपको पता होना चाहिए कि कंपोस्टिंग किसको कहते हैं। अनुपयोगी जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, जंगल या खेतों के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्वतः उग जाते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते रहते हैं, जैसे बबूल, कीकर, चिरचिरा, है ना, बबूल, कीकर, चिरचिटा, दूब, घास, मदार। तो ये ऐसे पौधे हैं सारे जो अपने आप ही उग जाते हैं प्राकृतिक वातावरण में, अपने आप बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, और जो अलग अलग मौसम में फूल खिलते हैं उनको हम लोग मौसमी फूल कहते हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चमेली और बेला, सूरजमुखी, ये सारे होते हैं मौसमी फूल। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है फैक्ट, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए मशहूर है,
और इत्र किन किन फूलों से विशेष तौर से बनाया जाता है? तो इत्र बनाया जाता है रात रानी के फूल से, चमेली के फूल से, गुलाब, मोगरा आदि के फूलों से, इन सब से निर्मित किया जाता है इत्र। और कन्नौज उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है वो इत्र के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके बाद है गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर शीशी में भरकर रख लेते हैं, और इसको सर्दियों में स्किन पे लगाने पे या त्वचा पे लगाने पे हमारी त्वचा नहीं फटती है। रंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले फूल कौन कौन से फूलों से रंग बनाए जाते हैं? पलाश, गुलदावरी और जीनिया आदि। तो इन फैक्ट्स को याद रखना कि किससे क्या बनाया जाता है। दवाई बनाने में किन किन फूलों का यूज़ होता है? गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा व गेंदा आदि। खाने में कौन कौन से फूलों का यूज़ होता है? केला, गोभी और महुआ आदि। तो इतने फूलों का यूज़ होता है खाने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, और 10वें चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है। 4-5 बच्चे होते हैं जो मेला घूमने जाते हैं और मेले की ही सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं, जो वो चीज़ें देखते हैं, जैसे तमाम तरह की दुकानें, तमाम तरह के खाने की चीज़ें और तमाम तरह के खिलौनों की बातें। इस तरह की सारी बातें होती रहती हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है और ख़ास पॉइंट है वो दो ही तीन हैं। जो पहला है, क्यों लगते हैं मेले? तो स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, पहनावा, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के लोक नृत्य, इन सब का विशेष आकर्षण होता है। इन मेलों में त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री होती है। मेलों में गांव तथा शहर के शिल्पकारों को अपनी बनाई हुई वस्तुओं को बेचने एवं बहुत सारे लोगों को अपनी कला से परिचित कराने का अवसर भी मेलों के माध्यम से ही मिलता है। जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनना है तो 100% मान के चलिए वो क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं बनेगा। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? केवल इंडिया भर में 4 ही जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन चारों जगहों का नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। इस बीच जो है कुंभ मेला चर्चा में भी रहा है इस साल और आने भी वाला है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि कुंभ मेला हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इन स्थानों में से किस जगह पर कुंभ मेला नहीं लगता है। इनमें से 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से होंगे और एक ऑप्शन बाहर से होगा, तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है और नौचंडी का मेला मेरठ में लगता है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको इन मेलों के बारे में पता होगा, और आप लोग भी याद कर लीजिएगा जिनको अभी तक नहीं पता था, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जल है जीवन, ये 11वां चैप्टर है, और जो पहला ही स्टेटमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला कथन क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। हमें पानी जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है उन्हें हम जल स्रोत कहते हैं, ठीक है? जल जहाँ से हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है उनको जल के स्रोत कहा जाता है। तालाब, नदियाँ, पोखर, झीलों आदि को जल के धरातलीय स्रोत कहते हैं, धरातल पर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें धरातल पर पाई जाती हैं इसलिए इनको धरातलीय स्रोत कहते हैं। नदियाँ धरातलीय जल स्रोतों में मुख्य हैं। और अगला है, पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में नदियों का जल संग्रह किया जाता है और शुद्ध करके पाइप के माध्यम से घरों तक उनको पहुंचाया जाता है, इसलिए भी नदियों को साफ रखना ज़रूरी है। अब आप समझ सकते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पर नदियों के ही पानी पानी को टंकियों में इकट्ठा किया जाता है और उनको शुद्ध करके फिर पाइपों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो आप ही लोग अगर गंदा करेंगे तो उसी पानी को फिर आपको ही कुछ समय बाद पीना है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। नदियों पर बांध बनाकर भी इसके जल का प्रयोग बिजली उत्पादन, नहर द्वारा सिंचाई करने तथा अन्य कार्यों में किया जाता है। भूमि के अंदर एकत्र जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। जो जल भूमि के अंदर एकत्रित रहता है
उस जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। धरातल पर पाया जाने वाला जल, जो धरातल पर जल भरा होता है, वही धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसी जल को हम लोग भूमिगत जल बोलने लगते हैं। और इस जल को कुओं, हैंडपम्प और नलकूपों, नलकूप का मतलब होता है ट्यूबवेल, और सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी से होती है, नलकूपों द्वारा, जिसका प्रयोग सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है नदियों तथा तालाबों के जल के प्रदूषित होने के कुछ कारण हैं। कौन-कौन से कारण हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए? नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना, सभी लोग उसमें कूड़ा करकट जो डालते हैं तो उसके कारण प्रदूषित होती हैं। नालों का गंदा गंदा पानी भी नदियों में गिरता है। फिर है कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिरना। इसके बाद है कुएं कुएं या तालाब के पास नहाना, कपड़े धुलना एवं जानवरों को नहलाना, इन सबसे भी पानी प्रदूषित होता है। इसके बाद खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होना। प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार या डायरिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से पैराग्राफ है कि प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप एकदम रट लीजिएगा कि प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, ये इतनी बीमारियाँ होती हैं। पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, डायरिया या टाइफाइड, अतिसार को ही डायरिया बोलते हैं और टाइफाइड, इतने रोग प्रदूषित जल से होते हैं। तालाब या नदी का जल प्रदूषित होने से उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं। पेड़ पौधों पर भी ऐसे जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब उल्टा प्रभाव पड़ना, यानी इनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, और इन फसलों तथा फलों एवं सब्जियों को खाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज़ का प्रभाव घूम फिर के हम तक ही आता है, तो हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है जल को पीने योग्य बनाने के कुछ उपाय दिए गए हैं। तो उबाल कर जल को अच्छा बनाया जा सकता है पीने योग्य, यानी जल को पीने योग्य बनाने का सबसे आसान उपाय है उसको उबालना। उबालने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाले गए पानी को ठंडा करके साफ कपड़े से छान कर हमें पीना चाहिए, यानी उबालने के बाद भी हमें अगर गंदा पानी था तो उसको छान कर पीना चाहिए। दूसरा तरीका है छान कर पानी को स्वच्छ करने का अन्य तरीका छानना है। इस प्रक्रिया में पानी को अलग बर्तन में एक साफ कपड़े से छान कर इकट्ठा कर लिया जाता है, परंतु पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना आवश्यक है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लोरीन, और पूछा भी जाता है कि जल को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुओं के पानी में लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, तो लाल दवा को का रासायनिक नाम क्या है इसको भी आप ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट, और कुओं में यही लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती है जिससे पानी पीने योग्य बनता है। कुछ आवश्यक बातें हैं, कूलर एवं पानी की टंकी तथा हैंडपम्प के आसपास पानी की निकासी तथा समय समय पर साफ सफाई, जैसे कूलर की टंकी और पानी की टंकी हो गई, इनको समय समय पर हमें साफ सफाई करते रहने से हम मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि कहीं पे भी पानी अगर लंबे समय तक भरा रहता है या रुका रहता है तो वहाँ पे मच्छरों के पनपने की संभावना अधिक होती है, और अगर मच्छर पनपेंगे तो हमें मलेरिया, डेंगू का खतरा बना रहेगा। तो ये था 9वां, 10वां और 11वां चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम लोग 3 दिन 4 4 चैप्टर डिस्कस कर करके और जल्दी से जल्दी ये SCERT के जो पर्यावरण की बुक्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। तो इस भाग में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।